महाभारत जो कि सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की सबसे लॉन्गेस्ट एपिक गिनी जाती है और ये एपिक हमें लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में भी सिखाती है और इसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सूरवीर और महान थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में दिखाए गए इतने सारे कैरेक्टर्स में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा? तो ये हम इतनी इजीली तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ एजम्पशंस के आधार पे आज के इस वीडियो में हम महाभारत के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट फ्रेंड्स। नंबर 10, दुर्योधन। दुर्योधन के पिता का नाम था धृतराष्ट्र और इनकी माता का नाम था गांधारी और इनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। हालांकि गधा चलाने की सीख यानी मैस फाइटिंग इन्होंने बलराम से सीखी थी जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और दुर्योधन को मैस फाइटिंग में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था, ये इतने अच्छे फाइटर थे। हालांकि इन्होंने अपने मामा शकुनी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए और आज भी जब इतिहास में देखा जाता है कि महाभारत होने के पीछे का सबसे कौन रीजन है तो उसमें हमें दुर्योधन का नाम जरूर देखने को मिलता है। नंबर 9, भीम। भीम कुंती माता और वायुदेव के पुत्र थे और ये वायुदेव की तरह बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे और तो और माना जाता है कि इनमें करीब 1,00,000 हाथियों का बल था और महाभारत में इन्होंने 100 कौरवों की डेथ का रीजन बनने का प्रण लिया था जिसे इन्होंने पूरा भी किया सभी 100 कौरवों का वध करके। और इन्होंने गधा चलाने की सीख बलराम से ली थी और ये भी दुर्योधन की तरह एक बहुत ही अच्छे मैच फाइटर थे। नंबर 8, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और महाभारत में अर्जुन के अलावा सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही वो पर्सन थे जो ये जानते थे कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे किया जाए और इनके ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर एंटर करने की विद्या सीख ली थी, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानते थे जिसके वजह से वो चक्रव्यूह में फंस गए और कौरवों ने बड़ी ब्रूटली और वॉर के नियम तोड़ कर अभिमन्यु का वध कर दिया। और मेरे हिसाब से महाभारत में सबसे ज्यादा कोई ब्रेव कैरेक्टर हो तो वो अभिमन्यु ही है। नंबर 7, घटोड़कच। ये भीम और एक फीमेल डीमन हिडिंबा के पुत्र थे और तो और इनके वॉर में एंटर करते ही कौरवों की आर्मी थर थर कांपने लगी थी और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने एक ही रात में कौरवों की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्योंकि ये एक हाफ डीमन और एक हाफ ह्यूमन थे तो इनमें बहुत सारी दिव्य शक्तियां मौजूद थी और इन्होंने वॉर में तबाही मचा दी थी और अंत में कर्ण के हाथों इनकी वीरतापूर्वक डेथ हो गई। नंबर 6, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरुद्रोण के पुत्र थे और ये कई सारे दिव्य शस्त्रों को चलाना जानते थे। इसके अलावा ये कई सारे वन के पशु पक्षियों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे और माना जाता है कि गुरुद्रोण ने कई साल की तपस्या कर महाकाल को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान मांगा था कि उनका पुत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिस वजह से अश्वत्थामा इस लिस्ट में हमने नंबर 6 पे रखा है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था इमोर्टल होने का, जिसकी वजह से हम इन्हें चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन कुंती माता और इंद्रदेव के पुत्र थे और पांचों पांडवों में ये तीसरे सबसे बड़े भाई थे और इनके गुरु का नाम है गुरुद्रोण और गुरुद्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। इसके अलावा जब महाभारत में अर्जुन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मुकर जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देकर उन्हें मोटिवेट करते हैं और इस तरह अर्जुन सभी का वध करने में कामयाब होते हैं। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। भरद्वाज इनके पिता थे और इनके गुरु का नाम था भगवान परशुराम और इन्होंने ही कौरवों और पांडवों को टीचिंग्स दी थी और उन्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन एक प्रॉमिस के कारण इन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड से लड़ना पड़ा और तो और भीष्म पितामह की डेथ के बाद इन्हें ही कौरवों की सेना का मिलिट्री चीफ बनाया था और इन्होंने वॉर के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाई थी। नंबर 3, कर्ण। कर्ण की माता कुंती थी और भगवान सूर्यदेव इनके पिता थे, लेकिन बचपन से ही इनकी परवरिश एक शूद्र परिवार में होने के कारण इन्हें बचपन से ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और पार्शियलिटी फेस करनी पड़ी थी। इनफैक्ट लोगों ने तो इन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन भगवान परशुराम ने इन्हें धनुर्विद्या सिखाई
और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब इन्हें अपनी विद्या का विस्मरण हो गया था और कवच कुंडल इनके पास नहीं थे, तब ऐसे मौके का फायदा उठा के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों इनका वध करवाया, वरना इनके हाथों अर्जुन का वध तो तय था। और तो और इतिहास हमेशा से ही इन्हें दानवीर के रूप में याद रखता है और याद रखता रहेगा। नंबर 2, भीष्म गंगा माता और शांतनु के पुत्र थे, और तो और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, और महाभारत के युद्ध में इन्हें ना चाहते हुए भी कौरवों की साइड से लड़ना पड़ा अपने प्रॉमिस के कारण, और इन्होंने जीवन भर के लिए ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करने का डिसीजन ले लिया था, और इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी आँखों से ही अपने कुल का नाश होते हुए देखा, जिससे बड़े अफसोस की बात और क्या हो सकती है। और इन्होंने कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट पांडवों की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र ना उठाने का अपना ये प्रण तोड़ने की नौबत आन पड़ी थी। नंबर 1, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर हैं महाभारत के, और इनका जन्म मथुरा में हुआ था, और देवकी और वासुदेव इनके माता पिता हैं, और आप इनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने महाभारत में सिर्फ और सिर्फ पांडवों को गाइडेंस दिया था। सिर्फ पांडवों को गाइडेंस देकर ही इन्होंने पांडवों को महाभारत का पूरा युद्ध जिता दिया। अगर इन्होंने युद्ध में शस्त्र उठाए होते तो कौरवों का क्या हाल होता, आप ये जरूर सोच ही सकते हैं।